जी आज हमारी इंग्लिश की क्लास है। तो इंग्लिश की पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हम लोग आर्टिकल स्टार्ट कर चुके थे। क्या कर चुके थे? आर्टिकल स्टार्ट कर चुके थे। हमने किया था दिस और दैट। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ फिर से, ठीक है? एक बार फिर से रिविजन हो जाएगी। हमने किया था दिस और दैट। क्या किया था? दिस और दैट। तो ये क्या था हमारे पिछली क्लास में था, दिस और दैट। हमने कहा था ना, अगर एक चीज के लिए होता है तो दिस होता है, एक चीज अगर दूर है दिस, एक चीज अगर सॉरी एक चीज अगर पास है दिस, एक चीज अगर दूर है तो दैट। हम लोगों ने आर्टिकल स्टार्ट कर चुके थे। आज हम करें दीज और दोज, ठीक है? तो इसमें क्या है बेटा, सिंगुलर और प्लूरल वाला आपका हिसाब किताब है, ठीक है? सिंगुलर प्लूरल क्या होता है देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज के लिए हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर, ठीक है? और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो वही एक चीज अगर हमसे दूर थी तो क्या आएगा, दैट आएगा। एक चीज हमारे पास है तो क्या आएगा, दिस आएगा। लेकिन अब यहाँ पे दीज और दोज यूज करेंगे। हमारा आर्टिकल क्या है, दीज और दोज, ठीक है? अब यहाँ देखिए, ट्री है, एक है ट्री नहीं, बहुत सारे ट्रीज हैं, ठीक है? तो क्या है, बहुत सारे ट्री हमारे पास है, हाथ का निशान देंगे पास में ना, तो क्या आएगा, दीज। क्या होना चाहिए, दीज, दीज आर ट्रीज, या दीज आर ट्रीज, क्योंकि हमारे पास है। अब देखिए ये बर्ड्स है, दूर है हाथ के निशान से, बहुत दूर है। अब बहुत सारी चीजें अगर हमसे दूर होंगी तो दैट नहीं आएगा वहां पर, क्योंकि एक चीज दूर नहीं है, बहुत सारी चीजें हमसे दूर है, ठीक है? दोज, दोज आर बर्ड्स। दोज क्योंकि बहुत सारी चीजें हमसे दूर है, एक बर्ड दूर नहीं है ना। देखो काउंट कीजिए, एक से ज्यादा बर्ड दूर है ना हमसे, तो दो जाना चाहिए। अब देखिए कप हमारे कितने पास है, एक कप नहीं है ना, बहुत सारे कप है। ध्यान से देखिएगा, जब बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं तो दीज, दीज, दीज नहीं दीज, और बहुत सारी चीजें हमसे दूर हैं तो दोज। ध्यान रखिएगा, अब दोज आर सॉरी दीज आर कप्स, दीज आर कप्स, क्योंकि ये कप्स हमारे पास है। और ये कार सबसे दूर है ना, देखिए निशान, देखिए हाथ का निशान दूर है, ये दूर के लिए हमने निशान डाला था यहाँ से, तो दोज आर कार्स। अब देखिए ये एक्स हमारे बिल्कुल पास है ना, कितने सारे एक्स हैं हमारे पास हैं, तो क्या आना चाहिए, दीज। दीज आर एक्स, एक एक्स नहीं, बहुत सारे एक्स हमारे पास हैं, दीज। अब देखिए स्टार्स है, कितने सारे स्टार्स हैं और दूर है हाथ के निशान, देखिए कितना दूर है, तो दोज आर स्टार्स, दोज आर स्टार्स। देखिए सभी बच्चों को दिखाई दे रहा ना, सारा काम किसमें करेंगे आप, इंग्लिश की कॉपी में करेंगे। अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको। लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं,
दीज और बहुत सारी चीजें हमसे दूर हैं, दोज, ठीक है, दिस दैट, दीज और दोज का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये हमारे आर्टिकल्स हैं। एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिए देखिए मैंने मग्स की पिक्चर ड्रॉ की है, इसकी पिक्चर ड्रॉ की मग्स की, तो मग्स क्या हाथ का निशान देते हैं हमारे पास है ना, तो दीज, दीज आर मग्स। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, दीज, और देखिए अब जग्स की पिक्चर ड्रॉ की है, जग्स कहाँ है हमारे हाथ से दूर है ना, हाथ के निशान से दूर है, तो दोज आर जग्स। तो बेटा एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कोई चीज, कोई एक चीज अगर हमारे पास है दिस, कोई एक चीज हमसे दूर है दैट, लास्ट क्लास में हमने किया था, लेकिन हमने दीज और दोज किया है, जब बहुत सारी चीजें हमारे पास है दीज, बहुत सारी चीजें हमसे दूर है, हाथ का निशान देखिए दोज, तो ये क्या था, दीज और दोज हमारे आर्टिकल्स थे। पेरेंट्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब बच्चे कॉपी में काम कर रहे हैं उसको एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसे बोलिए बोल बोल के कॉपी में काम करेगा, बाय बेटा, हैव फन।